हाँ भाई कौन साहब? वो टीवी ठीक करने के लिए बुलाया था ना। अरे यार मैं तेरा इंतजार कब से कर रहा हूँ, हमारा 3-4 दिन से टीवी खराब है, देख उसमें क्या दिक्कत है। अरे आगे क्या टीवी ठीक करने वाला? हो भाई कहाँ खो गया, चल यार टीवी ठीक कर जल्दी। जी साहब अभी करता हूँ ठीक। पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं। अब तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं। ठीक है जाओ पानी लेके आओ। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर के लोगों को। क्या ये कोल्ड ड्रिंक? किसके लिए? उनके लिए। ये घर रिश्तेदार है क्या तेरा? जा पानी लेके आ। ठीक है। ओ हेलो, काम कर ले अपना, क्या देख रहा उधर? साहब टीवी ठीक हो गया है, चला के देख लीजिए। अच्छा दीप पैसे लेके आना। ठीक है अभी लेके आई। ये लो। ये क्या कर रही हो तुम? पैसे दे रही हूँ। तो 1000 रुपए क्यों दे रही हो? 500 रुपए में बात हुई थी इससे मेरी। अरे कोई बात नहीं ना, दे दीजिए। क्या 1000 रुपए दे दूँ? पैसे का पेड़ पे उगते हैं क्या? 1000 रुपए दे दो, 500 रुपए बात हुई इससे मेरी, ये पकड़। एक बात बता, तू मेरी बीबी को जानता है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो इनसे पहली बार मिल रही हूँ, तो ये मुझे कैसे जानते होंगे? तो फिर तुम्हें ये इतनी देर से घूर क्यों रहा था? और तू सच सच बता दे मुझे, मरना ये तेरे 500 रुपए तो जाएंगे जाएंगे, और ऊपर से ना मैं तेरी कंप्लेंट अलग करूंगा, समझ में आया? सच बता क्या है। अरे नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज कंप्लेंट मत करो, मैं आपको सब सच सच बताती हूँ। दरअसल बात ये है कि आज से 4 साल पहले ना हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और जब मैंने इनसे शादी करने के लिए कहा तो इन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि इनके पापा ने इनके सामने शर्त रख दी थी, या तो ये मुझसे शादी कर ले या फिर बिजनेस, और इन्होंने अपना बिजनेस चूज़ किया, और इनको ये भी लगता था कि मैं मांगलिक हूँ और अगर ये मुझसे शादी करेंगे तो इनका बिजनेस में बहुत लॉस होगा, और इनके पापा का भी यही मानना था, तो इन्होंने मुझे यही सब बातें कह के छोड़ दिया था। और जब आज ये घर पर आए तो मैं इन्हें देख के शॉक हो गई, क्योंकि मैंने इनकी हालत पहले कभी नहीं देखी, और जब आज देखी तो मैं समझ गई थी ना ही इनका बिजनेस रहा है और ना ही कोई अच्छी जॉब, और फिर मैं ये सोच रही थी कि मांगलिक होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसके साथ जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है, और आज ना मैं बहुत खुश भी हूँ, पर मुझे थोड़ा दुख भी हुआ इनकी ये हालत देख के, बस इसलिए मैं इनकी थोड़ी मदद करना चाहती थी और कुछ नहीं। और हाँ जैसा आप समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। थैंक गॉड, मुझे तो कुछ और ही लग रहा था। और भाई तुमसे एक बात बोलूँ, अगर बुरा ना मानो तो अपनी लाइफ को ना किस्मत के भरोसे मत छोड़ो, क्योंकि मेहनत ही ना सबसे बड़ी किस्मत है। और तुम दीप को ही देख लो, जब से मेरी दीप से शादी हुई है ना मेरी अच्छी नौकरी भी लगी, साथ में ये घर भी लिया हमने, और मेरा प्रमोशन भी हुआ, क्योंकि मेरे घर में ना लक्ष्मी आई है। और मेरे भाई मैं ऐसा ना तुम्हें बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मैं सब कुछ ना मानता हूँ। और एक बात और, सबसे बड़ा भरोसा ना पार्टनर की जीत ही होती है, और आज के बाद ना मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि किस्मत में नहीं अपनी मेहनत पे भरोसा करना। ये लो। हाँ साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने उस टाइम बहुत गलत डिसीजन ले लिया था, और दीप हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। सर आप बहुत अच्छे इंसान हो। और साहब एक बात और, आप इनका अच्छे से ख्याल रखना, अब मैं चलता हूँ।